इस समय हम कुंभ नगरी में हैं। कुंभ नगरी में बहुत ही भव्यता से जो है कुंभ को सजाया गया है। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के साधु यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में रबड़ी वाले बाबा हैं जिनको सोशल मीडिया पे इस समय खूब ही बहुत ही छाए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे क्या अनोखा है इनमें और किस तरह से रबड़ी इनके दिमाग में आया कि लोगों को, श्रद्धालुओं को रबड़ी खिलानी चाहिए। कुंभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस बार का कुंभ कैसा है? तो बहुत लाजवाब, बहुत। कितनी जो है रबड़ी आप यहाँ पर बनाते हैं, कितने जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर रबड़ी आप? 50 लीटर रबड़ी बनती। रोज कितने लोग लगभग आपकी रबड़ी का पान कर रहे हैं? 400। हमारे साथ में रबड़ी बाबा थे, सोशल मीडिया में बहुत ही फेमस हैं। उन्होंने बताया कि एक ईश्वरीय जो शक्ति है उसने हमको बताया कि हमको रबड़ी सबको खिलानी चाहिए और वो पर डे लगभग 50 लीटर दूध की रबड़ी बनाते हैं और 300 से 400 श्रद्धालुओं को वो रबड़ी खिला रहे हैं। प्रयागराज से मैं हिंदुस्तान समाचार के लिए अवनीश अवस्थी।